अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। रहमताबाद टीवी को अपने मोबाइल पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रहमताबाद टीवी चैनल। मैं हूँ आपके सामने नूरी भाई खलीफा, सजद नशीन बारगाह नायब रसूल रहमताबाद शरीफ। नाज़रीन, रात दिन का मुशाहिदा है कि जिस्मानी अमराज हों या शैतान जिन भूत पलीत और वाया खबीसा के असरात या जादू करतूत और फानामती वगैरह हुजूर सैदना ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल सरकार व हजरत सैयदा महबूब निसा रहमतुल्लाह ताला अलैहा के दरबार पर हाजिरी देने से तमाम बलैया दफा हो जाते हैं। जो भी हाजतमंद इस दर पर हाजिर होता है अल्लाह के फजल व करम से पंजतन पाक के सदक़े तुफैल में खाली वापस नहीं होता। आपका रूहानी फैज आज भी जारी व सारी है, जिसका जी चाहे रहमताबाद शरीफ में आपके रोज़े मुबारक पर हाजिर होकर खुद अपनी आँखों से देख सकता है। जो लोग हाजिर दरबार हो रहे हैं अल्लाह के फजल व करम से फैज पा रहे हैं, जो लोग आने से मजबूर हैं उन्हें भी फैज उन्हीं के घर पर हुजूर सैदना ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल सरकार व हजरत सैयदा माँ हबीबुन्निसा रहमतुल्लाह ताला अलैहा की नज़र करम से मिल रहा है। चलिए हम आज बात करते हैं जम्मू कश्मीर से आए हुए जायरीन से कि उन्हें हाजिर दरबार होने से पहले ही जम्मू कश्मीर में किस तरह से फैज हासिल हुआ है और जम्मू कश्मीर से किस तरह रहमताबाद शरीफ तक सफर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वतीर अहमद है। आप कहाँ से आए हैं? मैं J&K जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट हमारा रजौरी है। हम बेसिकली वार्ड नंबर 2 पर रहने वाले हैं रजौरी। हमें यहाँ रहमताबाद नायब रसूल की बात सुनी थी यूट्यूब पे। हमारे कुछ ऐसे काम थे जो बिगड़े हुए काम अच्छे हो गए और पूरे हो गए, हम यहाँ आए हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है, बहुत बहुत यहाँ हमें आने का मौका मिला नायब रसूल के पास। हमने 1 महीने पहले ट्रेन की टिकट काटी थी जम्मू से। अगर J&K का कोई आदमी आना चाहता है वो वहाँ सोचते हैं यहाँ दिक्कत है, यहाँ गुंडागर्दी है, यहाँ कुछ है, कोई यहाँ किसी किस्म की परेशानी नहीं है। हम ट्रेन में 3 दिन बैठे, रात को 3 दिन दिन को बैठे, हमें किसी किस्म की गुंडागर्दी कोई कुछ भी नजर नहीं आया। हम आराम से यहाँ पहुँचे। ट्रेन में जो है आपको कुछ है किसी किस्म की परेशानी नहीं हुई? क्योंकि जो है कुछ भी हमें नहीं आया। यहाँ लोग वहाँ लोग बताते थे ये गुंडागर्दी है, आपको पैसा छीन लेंगे, आपको मारेंगे पीटेंगे, हमारे जेब में पैसे पड़े रहे। हमें किसी ने कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी ट्रेन में किसी ने भी जो कुछ भी नहीं पूछा ट्रेन में? कोई परेशानी हुई। हम वहाँ से आए ललोर तक बैठे। ललोर जो जम्मू से ट्रेन आती है वो ललोर पहुँचती है 3:20 पर। वहाँ वो 3:20 पर पहुँची। हम वहाँ से हमने बैग निकाला और वहाँ स्टेशन में लिखा होता है रहमताबाद ना ललोर। ललोर हम 3:20 पर पहुँच गए और 3 दिन के बाद हमें कोई वहाँ दिक्कत नहीं हुई। वहाँ से हमें स्टेशन में गए, वहाँ से गाड़ी पे बैठे रहमताबाद के लिए। हम रहमताबाद 7 बजे यहाँ पहुँच गए। 2 घंटे का रास्ते का सफर था। यहाँ पर जो है कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पर आने के बाद? बहुत अच्छा, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारा J&K का कोई भी आदमी यहाँ नजर नहीं आया। तो यहाँ जो भी आता है, कैंसर का मरीज, टीवी का मरीज, शुगर का मरीज, थायराइड का मरीज, और जिसके घर में लाद ना हो तो वो भी आता है। ये 12 साल से इसके घर में कोई लड़का नहीं था, ऐसा कोई वली नहीं जहाँ ये पहुँचा नहीं है। डॉक्टर ने कहा इसके घर में लाद नहीं होगी। क्या इसके घर में लाद नहीं होगी? इसकी लेडीज को जो प्रॉब्लम है वो फेल हो गई है, बच्चा दानी फेल है, बच्चा नहीं है, इसके अंदर बच्चा नहीं बनेगा। जैसे हमें टिकट काटी, इस ज़ियारत का नाम लिया, वो 2-3 महीने से बीमार है। अब उसके पेट में 3 महीने का बच्चा है, अच्छा है, और अल्लाह का शुक्र है, इस नायब रसूल का शुक्र है, हमारा को काम पूरा, अम्मा जान का शुक्र है, हमारा काम पूरा हो गया। हम अब 3 दिन से यहाँ बैठे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं। एक मेरा भाई है, उसको एक लड़का है, 10 साल शादी हो गए, उसके बाद उसके घर में कुछ नहीं है। उसको शुगर की प्रॉब्लम थी, कम से कम 500 शुगर था, वो शुगर नीचे आता ही नहीं था। डॉक्टर के पास गया, पीर फकीर के पास गया, वो शुगर नीचे नहीं आता था। जैसे हमें ट्रेन की टिकट काटी, हमें उसके दूसरे दिन शुगर टेस्ट किया, हमें जाना है 21 मार्च को हमें उधर जाना है ज़ियारत पे। ऐसा हमें 2 दिन के बाद शुगर टेस्ट किया, वो डायरेक्ट शुगर 110 पे 120 पे आ गया। उससे पहले 10 सालों में कुछ नहीं शुगर नीचे आया था। जब से हमें टिकट काटी ऐसा हमारा शुगर भी नीचे आ गया। और मेरे को अंदर कोई प्रॉब्लम थी, जिसमें दर्द था, प्रॉब्लम थी, मैं जब से टिकट काटी है यहाँ आया हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फ्रेश हूँ, मुझे कोई दर्द कोई कुछ नहीं।
मेरे बच्चे तीन हैं वो भी ठीक हो गए हैं। घर में झगड़ा था और बच्चे बीमार रहते थे, जब से मैंने ट्रेन की टिकट काटी नबी रसूल का मैंने इरादा किया हम वहाँ जाएंगे, हमारे घर में पूरी परेशानी दूर गई। हमें आपने जे एंड के लोगों से पैगाम देता चाहता हूँ कि यहाँ आए, वो मुश्किल समझते हैं, यहाँ रास्ते में दिक्कत है, गुंडागर्दी है, ये है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा छोटा बच्चा है, ये दस साल का है, ये ट्रेन में अकेले सीट पर बैठा रहा 3 दिन, इसको किसी भी नहीं पूछा नहीं कहाँ से आया क्या किया, हमें कुछ भी किसी नहीं दिक्कत नहीं हुई। यानी कि जो है जो जम्मू कश्मीर से जो लोग जो है सफर कर रहे हैं रहमताबाद के लिए, उनको कोई खतरा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जो है ये नेल्लूर जिले, नेल्लूर जो है रियासत आंध्र प्रदेश में आता है, और आंध्र प्रदेश में जो है कई अच्छे हालात है यहाँ पर, वहाँ कोई यहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम लोग जो है दरबार पर आते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, यहाँ पर कोई मसला नहीं है।